सो है गाइज, वेलकम करता हूँ सब लोगों और मैं एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं अपनी पाइस सिटी, अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में। आज हम एक छोटा सा घर बनाएंगे अपनी वर्ल्ड के अंदर। तो यार चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं अपना घर कैसे बनने वाला है एंड किस किस चीज़ों से बनने वाला है। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करेंगे एंड हमको चाहिए थोड़े बहुत स्टोन्स जिससे हम बना सकते हैं जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, फर्नेंस, जिससे हम ये जो खाना वगैरह इसको कुक कर सकते हैं। एंड मेरे को कुछ पोटैटोज भी मिले थे तो उस सबको हम कुक कर सकते हैं, ठीक है। और जिन जिन ने पहले वाले एपिसोड नहीं देखा है जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। एंड अभी हम चलते हैं थोड़े बहुत वुड इकट्ठे करते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये वाला वुड इकट्ठे करें क्योंकि इसका जो मतलब नया ट्रेंड चालू हुआ है तो इसका ही काम करना चाहिए। तो जल्दी से इसका कुछ वुड कलेक्ट करते हैं एंड फिर चलते हैं अपने वीडियो की ओर। गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं फिर से। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ला के रख दिया है। इधर पता नहीं आयरन दो स्मेल्ट होके पड़े, मैं आयरन भी खोजा था। आई थिंक मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा कि नहीं, मेरे को याद नहीं सही से। सो यार हमारे सारे चीज़ आके रख चुकी है इस चेस्ट पे। इस चेस्ट में हमने सारी चीज़ें जो है माइनिंग करके इधर पर रख दिया है। बस हम ये विलेजर का घर इधर पर तोड़ेंगे और ये जो बड़ा सी जगह है इसको फिनिश करके यहाँ पर अपना घर बना देंगे, सिंपल। तो यार यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। मेरे पास शायद से एक पिकेक्स पड़ा है और आयरन भी, देखो यार मेरे को दो ही मिले एंड मैं उसको शियर बनाने के चक्कर में उसको मैंने वेस्ट भी नहीं किया क्योंकि शियर से हम पत्ते ले सकते हैं एंड पत्ते से भाई बहुत तगड़ी लुक आ जाती है घर की। तो यार इसके लिए मैंने उसको वेस्ट भी नहीं किया। सो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं एंड फिर हम घर का काम शुरू करते हैं। चलो गाइज यहाँ पर काम हो चुकी है अपनी एंड अभी हमें घर के काम शुरू करनी है। सबसे पहले हमें थोड़ी सी सोचने चाहिए कि घर कैसे बननी चाहिए अपनी। तो यार हम छोटा सा ही घर बनाने वाले हैं पहले में, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारा घर बनते जाएगा। एंड फिर हम अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से वुड ले लेता हूँ एंड अरे यार रुको, पिकेक्स तो चाहिए मेरे को, इसको ऊपर करता हूँ। नहीं वुड भी चाहिए मेरे को, एक वुडन वो बनानी है। अरे रुक जा भाई, और थोड़ा सा वुड ले लेते, ये सारी चीज़ें जो है ना अंदर को रख लेते, वुड भी अंदर रख लेते, ये भी अंदर रख लेते, ये भी अंदर रख लेते, ये भी अंदर रख लेते, एप्पल भी अंदर को रख लेते एंड ये सारी चीज़ें हम अंदर को फिक्स करके थोड़े बहुत वुड निकाल लेते हैं एंड कुछ कॉबल स्टोन्स निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड अभी हमको क्राफ्टिंग टेबल के पास जाना है। इधर से हमको ये एक्स चाहिए हमें क्योंकि हमारा जो पूरा काम है वुड से होने वाली है, तो एक्स हमको चाहिए ही चाहिए। एंड अभी हमको फ्लोरिंग की काम शुरू करनी है पहले तो। हाँ चलो इधर से शुरू करते।
पे हमारा जो बेस था वो बन चुका है, ये अपना घर होने वाला है। एंड यहाँ पे चारों ओर हमने लोग लगा लिया है। हम तो सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा कैसल टाइप बनाएं, बट यार देखते हैं, हमारे मन में भी कुछ भी डिजाइन नहीं है, हम बस बनाते जाएंगे। जैसे भी घर बनेगा वो आपको फाइनल रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बनाना। पहले तो हम यहाँ से, और कुछ भी नहीं चाहिए भाई, सब तो हमने ले लिया। चलो अभी हम यहाँ इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर। यार पूरा बार्बी डॉल वाली घर नहीं बन जाएगी हमारी अगर हम पूरे इससे ही बना दे? भाई देखते हैं, जो भी होगा मस्त होगा। ठीक है, और आगे जाके हम एक फाइनल घर भी बनाने वाले हैं जो कि चेरी ब्लॉसम बायोम के बीच में होने वाला है, वो आपको दिख ही जाएगा। बट हाँ, ये अपना पहला घर है तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से तो बनाएंगे, अच्छा तो बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं हम। तो यार देखते हैं कैसा घर अपना बनता है। यार यहाँ पे अपनी जो चार तीनों ओर की काम हो चुकी है, बट सामने की जो फ्रंट लुक थोड़ा सा अलग करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ चलो, ये रहा अपना फाइनल लुक आगे से। यहाँ कैसे लग रहा है मेरे को कमेंट में बताना। बाकी अभी हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, और मेरे को लॉक्स, भाई लॉक्स तो पड़े हैं भाई, बार बार मैं क्यों यहाँ से उठा रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक टेम्पररी ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर। अबे यार नीचे गिर गया मैं, गलत बात, इतनी घूम घूम के आने के बावजूद मैं नीचे गिर गया। चलो फिर से यहाँ से पार्कोर करते हैं, सस्ता पार्कोर। भाई आने दे दे मेरे को। चलो यहाँ से ऐसे इसको लॉग लगाते, एंड सामने से इसको हम थोड़ा सा डिजाइन तो करेंगे, नहीं तो ये प्यारा नहीं लगेगा। चलो इसको हम माइन कर लेते। अबे यार वो एक वुड वेस्ट हो गया। चलो ऐसे कैसे लग रहा है रुको। हाँ बढ़िया है भाई, सुपर लग रहा है रुको। अपना घर कैसे लग रहा है भाई? मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ी लग रही है, आप जरूर से कमेंट में बताना कि कैसे लग रही है। हाँ अभी हम इसका छत का काम करेंगे। हाँ
कि गाइज हमारा जो घर है वो फाइनली तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको चारों ओर से दिखा देता हूँ। ये देखो चारों ओर से हमारा घर कुछ ऐसा लगता है। हम इसको चारों ओर से भी इस टाइप का जो है ना, अरे यार ये एक्स्ट्रा कैसे लग गया, इसको निकालते हैं। चलो ये जैसे चारों हमने ऊपर के ओर ये स्टेयर लगाया ना, चारों ओर हम ऐसे ही कर लेंगे, बट वो बाद में करेंगे। हमारे पास स्टेयर भी बचे हैं, उससे हम कर लेंगे। और अभी करने जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो यार उससे पहले हम जल्दी से आउटर करते हैं एंड फिनिश करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, ये घर आपको कैसे लगा मेरे को जल्दी से कमेंट में बता दो। यार ये जल्दी जा गई, आ जाओ अबे, एक एक करके आओ, मर तो नहीं हो क्या बे? चलो एक एक करके आए, चलो ख़त्म। माइनक्राफ्ट का सबसे नल्ला जॉम्बी यही होता है, उससे सभी स्ट्रॉन्ग आते हैं, बस यही एक नल्ला होता है। चलो हम जल्दी से इसको बंद करते हैं एंड सो लेते हैं ताकि सुबह हो जाए। चलो अभी सुबह हो गई है। चलो हम जल्दी से ना, ये वाला जो बेड है मेरे पास शायद से येलो डाई है, तो इसको मैं देखता हूँ कितनी येलो डाइज लगते है। चलो बढ़िया, हमारा बेड जो है वो तैयार हो चुका है। बाकी कुछ भी हमने लाके नहीं रखा, हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये बाहर जितने भी सामान है हम इसको घर पे रख लेंगे एंड इसके आगे वाली एपिसोड में हम इस घर को अपग्रेड करेंगे। साथ ही साथ हम आर्मर ढूंढने जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी आर्मर नहीं बचा। फिलहाल मेरे पास दो ही आयरन बचे थे एंड इसके पास कुल चार या पाँच थे, जिससे हमने ये लैंटर्न्स बना दिए। वो आयरन की नगेट चाहिए होती है ना इसके लिए, तो ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। बाय।